शुगर के मर्ज जो है वो बढ़ रहा है और WHO की रिसर्च है कि आइंदा 20 साल में डबल ऑफ द पेशेंट हो जाएंगे शुगर के। शुगर का मर्ज जो है उसका हदूद के बढ़ने के मर्ज के साथ काफी गहरा ताल्लुक है। ये दोनों अमराज जो हैं ये बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा टाइप 2 डायबिटीज और लार्ज प्रोस्टेट, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं और इनकी जो आपस में लिंक है वो डॉक्यूमेंटेड है, सबूत है, इसमें रिसर्च हो चुकी है कि शुगर के मरीजों में जो ऑक्सीजन की कमी होती है, कुछ इन्फ्लेमेशन होती हैं, उसकी वजह से प्रोस्टेट जो है वो उसके एनलार्जमेंट के बढ़ने के, हदूद के बढ़ने के चांसेस होते हैं। कुछ इनकी जो अलामत हैं वो भी दोनों एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, जैसे यूरिन की जो बार बार आने की, पेशाब की अलामत होती है, रात को उठने की अलामत होती है, पेशाब का कंट्रोल नहीं होता, करते करते रुक जाता है पेशाब का पता और करने के बाद मसाने में पेशाब रह जाने की जो प्रॉब्लम होती है, ये दोनों जो चीज़ें हैं डायबिटीज भी और लार्ज प्रोस्टेट भी, दोनों में ये अलामत पाई जाती हैं। तो इसलिए मरीज को ये अवेयर होना चाहिए कि ये अलामत एक सिंगल मर्ज में भी हो सकती हैं, यानी कि शुगर के मरीज में और प्रोस्टेट के मरीज में, और दोनों में भी हो सकती हैं। और अगर ये दोनों मर्ज एक बंदे के अंदर पाई जाती हैं तो ये अलामत ज़रा ज़्यादा सवियर हो जाती हैं। तो इस तरह रिसर्च हो चुकी है कि जो मरीज शुगर के होते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट के चांसेस भी ज़्यादा हैं और उनके जो साइज ऑफ द प्रोस्टेट यानी कि हदूद का जो साइज़ है वो भी ज़्यादा होता है और उनकी जो अलामत हैं वो भी ज़्यादा, जो सिम्टम स्कोर कैलकुलेट किया जाता है वो भी उसमें ज़्यादा आता है और उसके साथ साथ पेशाब की जो फ्लो का एक टेस्ट होता है जिसे फ्लोमेट्री कहते हैं, उसमें भी जो है पेशाब की जो फ्लो है वो इसमें काफ़ी सारी रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए जैसे जैसे वक्त के साथ रिसर्च हो रही है कि शुगर के मर्ज जो है वो बढ़ रहा है और WHO की रिसर्च है कि आइंदा 20 साल में डबल ऑफ द पेशेंट हो जाएंगे शुगर के, तो इससे रिलेटेड जो मर्ज है प्रोस्टेट का तो वो भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद मैं ये एडवाइस कर सकता हूँ कि जो मरीज है वो अपनी शुगर को बेहतर कंट्रोल करे, अपने कोलेस्ट्रॉल को बेहतर कंट्रोल करे और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे और जो उसने डाइट लेनी है उसमें वो ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करें और ज़्यादा हाई कैलोरी फूड जैसे हाई प्रोटीन और फैट कंटेंट वाली फूड्स हैं वो ना ले और डेली वॉक करें। इन सारी चीज़ों से उसका बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल होगा, उसकी शुगर बेहतर कंट्रोल होगी और उसकी जो बॉडी के अंदर जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है शुगर के मरीजों में वो नहीं होगी। तो ये जब चीज़ें नहीं होंगी तो प्रोस्टेट के होने के भी चांसेस कम हो जाएंगे। तो मेरा ये मशवरा है तमाम लोगों को कि आप अपनी जो है लाइफस्टाइल में डेली वॉक ऐड करें और डाइट में फाइबर ऐड करें और हैवी जो फूड है जैसे कढ़ाइयाँ और इस तरह की चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करें, सिंप्लीफाइड फूड लें फाइबर वाली, उससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, वेट भी कंट्रोल होगा और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा। अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग बंद करें, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके शुगर को बढ़ाते हैं और जो शुगर जब बढ़ती है तो फिर प्रोस्टेट के बढ़ने के भी अलामत होते हैं। तो जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए ये लाइफस्टाइल चेंज मेरा एक मैसेज है कि एक्सरसाइज अगर कर सकते हो नहीं तो वॉक ज़रूरी है और लो फैट लो कार्ब डाइट लें।